सर मुझे सिर्फ सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि 63 ए जो है उसके अंदर तो क्लियर कट ये लिखा हुआ है ना कि अगर पार्टी के हेड के खिलाफ पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मनी बिल या कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कोई पार्टी का रुकन वोट कास्ट करता है तो वो वोट वो तो मैं आपकी इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप जो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ने फिर वही इंटरप्रिटेशन कर करनी और स्पीकर ने आई थिंक उसी को फॉलो करना होगा तो वो वोट तो कास्ट कर सकता है वु यू एग्री टू दैट वोट कास्ट कर सकता है वोट कास्ट काउंट भी होगा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही क्यों ना हो उसके बाद का मरहला मैं आपसे फिर बाद में डिस्कस करता हूं कि वो ताहिया नाहली होगी या वो सिर्फ डी सीट होगा लेकिन पहले सर ये थोड़ा गाइड कीजिए कि वो वोट कास्ट कर सकता है पी टी आई का मेंबर इन दिस केस अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इज ओन पार्टी हेड और वो वोट कंसिडर किया जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट इस पर आपका क्या राय है सर जी देखिए हमने जो सवाल किए हैं उसमें से एक सवाल ये भी है आपने जैसा देखा होगा रेफरेंस में जैसे मैंने अर्ज किया इसमें दो कॉन्टेक्स्ट हैं एक तो डिफेक्शन जो त्रेसठ ए के तहत है वो असम्बली से बाहर हो सकती है अगर उस पर डिफेक्शन का डिक्लेरेशन आ जाए तो फिर वोट कास्ट करने का इशू ही नहीं रहता वो तो फिर यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ए एन में जो ए है उसका 63 कैप्टन रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइंस अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी यही आप कह रहे हैं जी जी राइट right, राइट right, जी तो उसका फ्लोर से कोई ताल्लुक नहीं है अगर वो असेंबली के सेशन से बाहर सेशन से पहले अगर ये हो जाता है और उसके लवाजमात जो हैं सेक्शन प्रोविजन के वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं डिक्लेरेशन आ जाता है तो फिर वोट से डिफेक्शन का ताल्लुक नहीं है वो uh, खत्म हो जाए लेकिन, लेकिन सर लेकिन सर आयशा गुलाई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तरफ से आयशा गुला की बेताशा स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई कोर्ट के सामने के जिन्होंने फला जगह पे कहा मैंने पार्टी को रिजाइन कर दिया मैंने फला जगह पे कहा रिजाइन कर दिया कोर्ट ने वो स्टेटमेंट ये दी थी और ऑब्वियसली आपने वो वर्डिक पढ़ा होगा उसका स्टेटमेंट भी वर्डिक दी थी ये जो अभी चल भी रही है सामने कि जब तक आप वो प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे जिसके जरिए एक मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जाता है या वो रिजाइन करता है अगर तो उसने रिजाइन किया है पार्टी हेड को देन दैट्स फाइन और वो स्पीकर के पास जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफिकेशन का जो भी निकले अगर उसने रिजाइन नहीं किया पार्टी हेड को या स्पीकर को रिजाइन नहीं किया तो सर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये मामला तो तय कर चुकी है कि वो रेजिग्नेशन कंसिडर नहीं होगा अगर इन दिस केस जितने मुनारिफ अराकिन है ये कहीं पर भी कहते फिरें कि हमने पार्टी छोड़ दी है हमने पार्टी छोड़ दी रिज़ाइन कर दी है वो आयशा गुलई केस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोर्ट की उसके लिए कोई हैसियत ही नहीं है सर आपकी राय इस पर क्या है जी आयशा गुर केस में बुनियादी तौर पर दो इशू थे कि एक तो आयशा साहब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया दूसरा पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ना कोई रेजिग्नेशन या ऐसी डॉक्यूमेंट सामने प्रोड्यूस की गई है रप... ना वो पार्टी डायरेक्शन प्रोड्यूस किया गया उनका कहना था जबानी डायरेक्शन था इसका कोई एविडेंस नहीं था तो वो जजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि अगर आप ये कहते हैं कि, कि किसी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा है ही नहीं या अगर आप कहते हैं आपने डायरेक्शन दिया और उसके खिलाफ वोट दिया और डायरेक्शन है ही नहीं तो फिर वो तिरसठ एक जो है वो ट्रेगर ही नहीं होगा सिर्फ इतना फैसला था आयशा ग्रलई केस में आपने सवाल पूछा उसमें उसका दूसरा हिस्सा ये था कि क्या वो पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता है

अगर सब क्लॉज ए के तहत वो डिक्लेरेशन नहीं है तो फिर मेंबर को पूरा हक हाँ है कि वो असम्बली जाए जाने के बाद वोट कास्ट करे अब सवाल ये उठेगा कि वोट कास्ट हो गया क्या वो वोट काउंट होना है या नहीं आ, ये ये है सवाल, सवाल ये उसको कितना वेट देना है जी तो उसको क्या वेट देना है क्या इग्नोर करना है या उसको एक रिजेक्टेड या डिस्प्यूटेड वोट के तौर पर सेपरेट किया जा सकता है वोट काउंट से ये सवाल हमने रेफरेंस में रखा है इस पर बहुत सारे दलाइल हैं लेकिन मैं इस वक्त मुनासिब यह समझूंगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने हमने सवाल रखा है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन एक दली दली मेरा एक मेरा ये कि आप बहुत ही अपराइट लॉयर हैं और बहुत ही क्रेडिबल लॉयर है मैं, मैं, मैं आपकी मर्जी आप किसी जवाब को भी मेरे नो कमेंट कर सकते हैं ये मैंने ऑफर की थी उनको भी एन पैटरसन थी अमेरिकन एम्बेसडर और वो बड़ा क्रिटिकल माहौल चल रहा था तो मैंने ड्रोन के ऊपर उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने मुझे ब्रेक में कहा कि ड्रोन पे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पॉलिसी अभी नहीं ओन कर रहा तो आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे मैंने कहा जी कॉम की तरफ से से सवाल है यू हैव राइट टू नो कमेंट मैंने सवाल पूछा और नो कमेंट कह दिया पीपल हैव जज कि वो नो कमेंट सही था ये जो तो आ, नो कमेंट आपकी मर्जी है मैं आपसे सर इस पे सवाल जरूर पूछूंगा कि जब मैं नो कमेंट नहीं करूंगा ठीक है सर मैं आपको सवाल कर मिला सुप्रीम कोर्ट में जी सर मैं सवाल सुन लीजिए सिर्फ उसके बाद आप बताइएगा जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे एज अ लॉयर एंड एंड एज अटॉर्नी जनरल आपकी मर्जी जिस तरह बताना चाहे, चाहे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो लिखा हुआ है कि ये जो मेंबर हैं ये तब ही डिसक्वालीफाई होंगे जब ये ये क्राइम कमिट करेंगे यानी कि अगर इसको क्राइम तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि मैं समझता हूँ चले प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते हैं ये क्राइम है और उसका उनको पेनल्टी ये है कि वो पेनल्टी ये होगी कि उनकी सीट जो है उससे वो या डी सीट हो जाएंगे या ताह याद नाहल जो आपने सवाल भी पूछा हुआ है लेकिन सर वोट देना तो तो उस दिन पहले दिन हेयरिंग में भी जस्टिस चीफ साहब ने कहा था तो तो हक हाँ है हर मेंबर का तो वोट नो कॉन्फिडेंस आता ही पार्टी के अंदर से है। तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कंस्टिट्यूशन में से निकाल देना चाहिए क्योंकि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसकी उसके अंदर वोट नो कॉन्फिडेंस दस्तूर में लिखा हुआ है तो उसकी अपनी पार्टी में से उठेगा ना ये नो कॉन्फिडेंस का बहरान तभी तो होगा ना वरना तो नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता अगर उस बंदे का वोट ही काउंट नहीं करना इसकी तो लॉजिक ही नहीं बनती खालिद साहब देखिए ये जो आपने सवाल पूछा अगर केस ये है डिसकॉलीफिकेशन का हाउस के अंदर वोट पे तो मैं मेरा भी माइंड बड़ा क्लियर है कि जब तक वोट ना दिया जाए वो डिफेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो ट्रिगर ही नहीं हो सकता तो ना सिर्फ वोट देने का हक बल्कि वो वोट कास्ट करने का भी हक होगा और कास्ट करने के बाद ही वो इशू अराइज करेगा कि डिफेक्ट किया है या नहीं किया है तो उस हद तक तो जो आपने सवाल पूछा था कि क्या वोट देने से रोका जा सकता है मेरे ख्याल में वोट देने से वोट के असर, असर वोट का असर सर मैंने था कि वोट का असर अब आप उसका बता दीजिए कि वोट काउंट होगा या नहीं, आपके नज़दीक अब आपने पूछा कि वोट के असर के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझसे यह सवाल किया था तो मैंने कोर्ट को बताया कि जी मैंने एक ये रेफरेंस फाइल किया है लेकिन बहसीत अटर्नी जनरल में ये नहीं कह रहा बल्कि बहसीत एक वकील के मैं ये कह रहा हूँ कि वो वोट काउंट तो हो सकता है लेकिन ये इशू इसमें एक और अराइज़ ये करेगा कि ये प्रिवलेज जो है क्या वो पार्लियामेंट की या स्पीकर की है या ये इशू जो असम्बली से बाहर डिसाइड होना है कि वो वोट कास्ट किया जाए जो वोट कास्ट किया गया है उसको क्या वेट दिया जाए उसको एंटरटेन किया जाए या नहीं तो ये बड़े अहम सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने की ऑब्जर्वेशन थी कि आप हमें असिस्ट कीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साहब लेकिन आप समझते ये आ, आप आप समझते समझते सर ये हैं कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है और क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा ही जब पार्टी के अंदर से लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे अदरवाइज ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं बनती ना तो आप समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर है दस्तूर में तो इसका मतलब ही ये है कि अपनी लीडिंग पार्टी जो है जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स का वोट काउंट होगा तभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पॉसिबल होगी सर एज अ लॉयर आप ये समझते हैं कि वो काउंट होना चाहिए देखिए ये एक जो सवाल है कल भी एक और प्रोग्राम में मुझसे किया गया था जहाँ तक बात है आर्टिकल पचानवे जो नो कॉन्फिडेंस की बात करती है तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर एक मेजॉरिटी पार्टी और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की थी जो एंकर थे उन्होंने कि जी आप अगर मेजोरिटी पार्टी है और आइन में लिखा भी है कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है और कॉलिशन को छोड़ दीजिए पार्टनर्स को छोड़ दीजिए मैं भी तो यही रहा लगता भी नहीं भिल्कुण भिल्कुण है का तो क्या वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा असल सवाल ये शायद नहीं है कि क्या उन्हें वोट देने से आप रोक देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेजोरिटी पार्टी के मेम्बर हैं सवाल इसमें कोर और यह है कि वोट दे दिया उस वोट का इफेक्ट क्या है वो जो स्पीकर को फैसला करना है लेकिन एक मिनट के लिए अस्यूम कर लें कि वो वोट काउंट भी हो गया और उसके नतीजे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो गया जो सवाल अहम तरीन है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो मेंबर का जो ये वोट कास्ट करना होगा ये सिर्फ उसका नतीजा ये होगा कि मौजूदा सीट ख़त्म हो जाए या उससे कुछ ज़्यादा